नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। अगेन, ग्रुप बाय क्लॉज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। ग्रुप बाय क्लॉज हो गया, हैविंग क्लॉज हो गया, सब क्वेरी हो गया। आपके गेट एग्जाम में अगर मैं 90% ऑफ द क्वेश्चन की बात करूँ तो इन्हीं में से पूछा जाता है, क्योंकि यहीं पर से चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होती है। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। बहुत सिंपल सा आइडिया है वैसे, ठीक है, मैं आपको आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ग्रुप बाय स्टेटमेंट जैसा नाम है बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करता है। एक हमारे पास टेबल है, क्या है हमारे पास, एक टेबल है, उसको अपने को ग्रुपिंग करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके कॉलेज का डेटाबेस, ठीक है। अब उस कॉलेज के डेटाबेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। एक डिपार्टमेंट होगा CSE डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा IT डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा मैकेनिकल, इसी तरीके से नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे। तो मुझे अगर अब, क्योंकि हमारे कॉलेज का जो डेटाबेस है, क्या वो हर एक चीज़ सॉर्टेड मैनर में होती है क्या हमारे पास हर टाइम पे? भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको किसी भी स्टूडेंट का डेटा रिट्राइव करना है, जैसे लेट मी से आपके कॉलेज में, ठीक है, आपके कॉलेज में आपके सेमेस्टर का रिजल्ट आया, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे उस रिजल्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं कोई भी रोल नंबर डालूंगा तो उसका रिजल्ट तो मुझे मिल जाएगा। ये कॉलेज की बात कर रहा हूँ ना, कॉलेज में जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कैसे काम करता होगा, वो ऐसे ही काम करता होगा कि वो जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर डालेगा उसको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको अगर पूरे डिपार्टमेंट का, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हर एक स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, तो क्या वो एक एक करके रोल नंबर डालेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ग्रुपिंग कर देगा। वो क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट है पूरे कॉलेज में, पहले ग्रुप बाय कर दो एक एक डिपार्टमेंट वाइज। ग्रुप बाय करने से होता ये है कि सारे CSE डिपार्टमेंट के लोग एक तरफ एक ग्रुप में आ जाएंगे, फिर अगले डिपार्टमेंट के लोग अगले तरफ, तो उसे काफी आसान हो जाएगा देखना कि यार ये पूरे CSE के लोग हैं, इनके मार्क्स देख लो आप, ठीक है। तो आपको आइडिया समझ में आया ग्रुपिंग क्यों करते होंगे अपन? बहुत सिंपल है, एक एक डब्बा बना दिया अपन ग्रुप्स के, ठीक है। वो पर्टिकुलर डब्बा आप किसी के भी फॉर्मेट में आप बना सकते हो। सकता है आप ग्रुप ना नाम के बेसिस में बना दो, ठीक है, एक ही नाम के इंसान पूरे आ जाएंगे आपके सामने, तो किसी के भी बेसिस पे अपन ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, ग्रुप बाय क्लॉज जो है इज यूज टू ग्रुप डेटा रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट वैल्यू। जैसे कि ये एक टेबल आपके सामने लिखा है, ग्रुप बाय अपने को कर रहे हैं। अब आप इस वाले एट्रीब्यूट को लिए कि ए एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग कर दो। ये क्या देखिए, अच्छा A1 है, तो इनको ऊपर ले आओ, A1। ऐसा मत समझना कि ग्रुप बाय सॉर्टिंग के जैसा, नहीं है सॉर्टिंग के जैसा, ठीक है, सॉर्टिंग के जैसा नहीं। काफ़ी लोगों को ये डाउट आ जाता है, ये सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं अपन, ग्रुपिंग कर रहे हैं। A1 आ गया ऊपर, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, देखो A1 आ गया, उसके बाद फिर ये नल वैल्यूज़ हैं, ये नल वैल्यूज, तो नल वाले वैल्यूज एक तरफ आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर A3 आ जाएगा, A3, और इनके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। आप चाहो तो मल्टीपल एट्रीब्यूट से भी ग्रुपिंग कर सकते हो। जैसे अगर मैं ग्रुप बाय AB करता तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो, अगेन ये A के अकॉर्डिंग तो ग्रुप है, क्या ये B के अकॉर्डिंग भी ग्रुप है क्या? अपने को AB देखना है, तो A1 B1, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप बना, A1 B1 वाला एक पर्टिकुलर ग्रुप। अगला A1 B5 वाला एक ग्रुप बना। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो A की एक वैल्यू के लिए जो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो आ जाती है, ठीक है। तो A की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये नल वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो बाकी वैल्यूज है वो आ गई है, और A3 एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आ गई। तो ये यहाँ पे ग्रुप बाय AB भी हो गया, सेम एज इट इज यही दिखने वाला है, ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। SQL स्टैंडर्ड फॉर ग्रुप बाय, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, एवरी एट्रीब्यूट ऑफ ग्रुप बाय मस्ट बी इन सिलेक्ट क्लॉज एंड इज अलाउड टू यूज एग्रीगेट फंक्शन इन सिलेक्ट क्लॉज। मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी बताया था, जब भी आप एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अगर आप यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं लिखोगे और एग्रीगेट फंक्शन का यूज करोगे तो उस केस में आएगा एरर, मैं आपको बताया था, ठीक है। आप नॉर्मल एट्रीब्यूट के साथ अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो और ग्रुप बाय यूज नहीं करते हो तो आएगा एरर। लेकिन जब हम ग्रुप बाय यूज करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट आप स्पेसिफाई कर रहे हो वो सिलेक्ट क्लॉज में होना चाहिए। क्या ए सिलेक्ट क्लॉज में? हाँ, ये देखो ग्रुप बाय कर रहा हूँ ए, तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।
यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि सारे एट्रीब्यूट जो सिलेक्ट क्लॉज में है, जब भी हम ग्रुप बाय लिख रहे होते हैं तो ग्रुप बाय में जो भी एट्रीब्यूट लिख रहे होते हैं वो सिलेक्ट क्लॉज में होना जरूरी है। एग्रीगेशन ऑफ सिलेक्ट क्लॉज कंप्यूट्स एग्रीगेशन ऑफ ईच ग्रुप। कैसे एग्रीगेट करता है वो पिछले वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताया था मैं, बट इट इज नॉट अलाउड टू सिलेक्ट एट्रीब्यूट विच आर नॉट इन ग्रुप। ठीक है, अपन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते वो सारे एट्रीब्यूट जो ग्रुप में नहीं है। तो होता क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे, ये एक टेबल आपके सामने बना हुआ है, ये एक टेबल है आपके सामने। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये चलेगा, उसके बाद फिर ग्रुप बाय होगा और उसके बाद फिर सिलेक्ट होगा। तो फ्रॉम आर, आर में से अपने को ग्रुप बाय करना है ए को, तो आपने ग्रुप बाय किया तो पिछले यहाँ पे मैंने लिखा ये ग्रुप बाय करके इस तरीके से आपको मिल जाएगा, राइट। अब ये मिला, उसके बाद फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपने को दो कॉलम चाहिए, ए चाहिए और एक एवरेज चाहिए, ठीक है, एवरेज चाहिए, एवरेज ऑफ सी। तो सी का एवरेज निकालना है ए के टर्म्स में, ठीक है। तो ए को मैंने जब ग्रुप बाय किया था, ए को जब मैंने ग्रुप बाय किया तो इस तरीके से, तो आप खुद सोचो ये ए वन के करस्पॉन्डिंग इन दोनों का एवरेज क्या होगा, आप बता सकते हो, इन दोनों का एवरेज ये हो जाएगा 70, 80, 60, 140 का आधा 70। यहाँ पे अगले वाले का नल हो जाता है, अगले वाले का ये कितना हो जाएगा, ये 160 का आई गेस 160 होगा, यस 160 का मतलब 80 और यहाँ पर आई गेस 55, ठीक है। लेकिन आपको पता है नल वैल्यू को अपन इग्नोर करते हैं जब एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे नल वैल्यू नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नल वैल्यू नहीं, इस तरफ ज़रूर दिख रहा होगा, इस तरफ ज़रूर दिख रहा होगा, क्योंकि इस नल के करस्पॉन्डिंग 80 आ रहा है, ठीक है। ये 70 आया, ये नल, ये नहीं आएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। इस नल के करस्पॉन्डिंग जो एवरेज आ रहा है वो 80 आ रहा है, इस A3 के करस्पॉन्डिंग जो एवरेज आ रहा है वो 55 आ रहा है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें विजिबल होंगी, नहीं है तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, तो इस तरीके से आपको कुछ टेबल मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये आइडिया था, ये बेसिक आइडिया था ग्रुप बाय कैसे इस्तेमाल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जो कि लोग स्किप करते हैं और बाद में होती है दिक्कत। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, यहाँ पे बेसिक सारे आपको बता दिया ग्रुप बाय के। अगले वीडियो में इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन लगा के देखेंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो छोटा सा सब्सक्राइब ज़रूर करके बताना, ठीक है। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना किस तरीके से आपको लग रही है ये, नहीं यार दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे नहीं दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो छोटा सा लाइक ज़रूर नहीं यार ये बेकार दोस्तों एक छोटा सा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना नहीं हमारे यार दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार छोटा सा सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू।